हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्शल पैच फिर से नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि त्यौहार का जो सीज़न आता है तो सबसे ज़्यादा लोग जो है अपने घर जाना जो पसंद करते हैं, जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो किसी काम के थ्रू या फिर काम करने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ से पढ़ाई के लिए अपने घर से जो है दूर जाते हैं कहीं, तो वो जो है जब भी कोई त्यौहार या फेस्टिवल आता है तो सबसे ज़्यादा वो ये चाहते हैं, उनके दिल की ये चाहत होती है, तमन्ना होती है कि मैं अपना त्यौहार जो है अपने परिवार के साथ मनाऊँ। तो अपने त्यौहार मनाने के लिए जो है ज़्यादातर लोग जो अपने हिंदुस्तान में हैं सब जो ट्रेन से सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जब त्यौहार आता है कोई सभी, तो उस टाइम में इतना ज़्यादा भीड़ रहता है ट्रेन में। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर भीड़ होता है, स्टेशन में भीड़ होता है। तो स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर भीड़ होने के बाद होता क्या है कि गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर, जिससे कि RPF वालों को या फिर रेलवे वालों को जो है उसको मेनटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत दिक्कत होता है, जिससे परेशानी होती है, यात्रियों को भी परेशानी होती है, प्लस जो है रेल के जो कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक नया अभी नियम लागू किया है। वो नया नियम क्या है कि जैसे कि अगर आप ट्रेवल करने जाते हैं ट्रेन में, तो पहले ये था कि आप अनलिमिटेड सामान लेकर के जा सकते थे ट्रेन के अंदर, लेकिन अब जो है एक लिमिट बना दिया गया है कि अब आप इस लिमिट से ज़्यादा अगर आप लगेज लेकर के जाएंगे तो आपको जो है उसका अलग से फ़ाइन देना पड़ेगा, आपको अलग से पैसा पे करना पड़ेगा। तो वो कितना है, कौन सी क्लास के लिए कितना जो है उन्होंने जो एक क्राइटेरिया रखा है रेलवे ने, आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर क्लास के बारे में आपको बताऊंगा कि स्लीपर में क्या है और AC में क्या है, थर्ड AC में, सेकेंड AC, फर्स्ट AC में कितना कितना, कौन से आप कोच में कितना सामान लेके जा सकते हैं, आप एक आदमी के लिए कितना ज़्यादा लेके जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है त्यौहार का सीजन चल रहा है, अभी त्यौहार सीजन चलने से होता क्या, जब भी त्यौहार का सीजन आता है अपने इंडिया के अंदर तो सबसे ज़्यादा 90 से 95% लोग जो है अपने घर अपने परिवार के पास जाकर के त्यौहार मनाते हैं, और जब भी वो अपने घर जाने के लिए चाहते हैं तो फिर ट्रेन बहुत ज़्यादा जो है इकट्ठा जब लोग होते हैं तो स्टेशन में भीड़ होना नॉर्मल सी बात है, और जब स्टेशन में भीड़ होता है तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो जाती है। तो इन्हीं सब को देखते हुए भारतीय रेलवे ने जो अभी नया जो रूल लागू किया है अभी स्टेशन पर, कि एक तो आपका जो है प्लेटफॉर्म टिकट जो है पहले 10 रुपये का था, जो अब इसको 50 रुपये कर दिया गया, बहुत सारे स्टेशनों पे जो प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिया गया, जैसे कि नई दिल्ली आपका या गाज़ियाबाद या फिर चेन्नई या फिर आनंद विहार, जो भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हर जगह जो है प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ा दिया गया है कि ताकि जो एक्स्ट्रा लोग जो जाते हैं छोड़ने के लिए एक दूसरे को वो ना जाएँ, जिसकी वजह से जो है भीड़ ना हो स्टेशन पे। और उसके बाद साथ ही साथ जो नया रूल निकल करके आ रहा है ये है निकल करके आ रहा है कि जैसे कि अगर आप जाते थे अपने गांव सफ़र, जब भी लोग करते हैं ये नॉर्मल सी बात है, चाहे आप हो चाहे हम, जब भी हम 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद अगर हम शहर से अपने गांव जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान ले करके जाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अगर शादी शुदा है तो अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए। तो होता क्या है कि लगेज फिर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वेटेड हो जाता है। तो रेलवे ने अब नया नियम लागू कर दिया है कि अब जो है जैसे अगर आप सेकेंड AC में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें जो है सिर्फ 50 किलो तक ही वज़न आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हैं। अगर 50 किलो से ज़्यादा अगर लेकर के जाएंगे तो आपको जो उसका चार्ज पे करना पड़ेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना जुर्माना देना पड़ेगा, जैसे कि अब इसमें जो है जुर्माना आपको जो है किलोमीटर के हिसाब से तय कर दिया गया है। अगर आप जो है 500 किलोमीटर तक, अगर आप जहाँ से बैठे हैं वहाँ से 500 किलोमीटर तक आप जाते हैं, अगर आप 50 किलो का जो है लगेज का जो है उसमें जो है क्राइटेरिया दे रखा है सेकेंड AC में, अगर उससे आप ज़्यादा लेकर के जाते हैं तो आपको 600 रुपये पे करना पड़ेगा रेलवे की तरफ, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप थर्ड AC में सफ़र कर रहे हैं तो आपको 40 किलो तक का ही लगेज लेके जाने का जो है आपका रेलवे का नियम है, इससे ज़्यादा लेकर के जाते हैं तो आपको 600 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर 500 किलोमीटर तक आप जाते हैं तो उससे आगे जाते हैं तो आपको फिर उससे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अगर आप स्लीपर में जाते हैं तो उसमें भी आपका जो है 40 किलो है। अगर आप सेकंड सीटिंग में मतलब जनरल कोच में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 35 kg जो है तक ही लगेज आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लेके जाएंगे तो आपको जो है पैसा पे करना पड़ेगा, अलग से जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि TT आपको फाइन करेगा या फिर स्टेशन पर जैसे आप एंट्री करेंगे आपका टिकट चेक किया जाएगा, आप कौन से क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं आपका लगेज को वेट किया जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है अपना सामान को जो है जितना कम से कम हो सके आप अपना लेकर के जाएं ताकि आपको फ़ाइन ना देना पड़े, पेनल्टी ना देना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये जो नियम था ये सिर्फ
एरोप्लेन के लिए था, जब आप फ्लाइट में सफ़र करते थे तब था ये, लेकिन अब जो है ट्रेन में भी ये नियम लागू कर दिया गया है। इसलिए आप जब सफ़र कर जो है लगेज इतने ही रखें जितना कि आपको लगेज की ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा लगेज ना लेके जाएं ताकि आपको जो है फ़ाइन ना देना पड़े, क्योंकि फ़ाइन बहुत ज़्यादा है 500 किलोमीटर तक का, 600 रुपये आपको अलग से फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा आगे जाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस चीज़ का ध्यान रखें और साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सतर्क रहें, सावधान रहें, और जब भी स्टेशन जाएं तो ज़्यादा लोगों के साथ ना जाएं, अकेले ही जाने की कोशिश करें। अगर जा भी रहे हैं तो स्टेशन प्लेटफॉर्म तक ना किसी को लेके जाएं, प्लेटफॉर्म से बाहर ही रहें ताकि प्लेटफॉर्म पे भीड़ ना हो ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जिससे आपको भी परेशानी होती है और रेलवे कर्मचारियों को भी परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी जानकारी आपके लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।